अब चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब यहां से आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है और इसीलिए सुबह से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं। अब इस मौके पर क्या मीडिया से भी बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि का मौका है और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब श्रद्धांजलि जब अर्पित की, पुष्प अर्पित किए, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज तमाम कार्यक्रम होने हैं, 66वीं पुण्यतिथि है बाबा साहब अंबेडकर की। सीएम योगी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रमों में तमाम बड़े दिग्गज दिखाई देंगे आज उत्तर प्रदेश में। सुबह सुबह आपने देखा बसपा प्रमुख ने भी इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लखनऊ से आपको हम दिखा रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब यहां से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज भी बहुत बिजी शेड्यूल है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अलग अलग हिस्सों में वो जाने वाले हैं। आजमगढ़ में भी उनकी एक सभा होनी है, वहां पर जाकर के अखिलेश के गढ़ में जाकर के चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन शुरुआत यहां से वो करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों पर चलने के लिए सभी से कहा भी जा रहा है अलग अलग दलों की तरफ से। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम यहां पर रखा गया है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। उसी में मौजूदगी सीएम योगी आदित्यनाथ की है। मंच पर मौजूदगी तमाम दिग्गज भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहां पर। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, अब थोड़ी देर के बाद संबोधन भी होगा सीएम योगी का। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम को लेकर। कानून मंत्री बृजेश पाठक भी यहां पर मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी भी यहां पर, कैबिनेट के तमाम दिग्गज और साथ ही तमाम चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि तैयारी चुनाव को लेकर भी हो रही है और ये खास कार्यक्रम आज महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुछ ही देर के बाद बाबा साहब अंबेडकर के पूरे योगदान को लेकर भी आप सुनेंगे, अपनी अपनी बात रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। 66वीं पुण्यतिथि आज बाबा साहब की है। संविधान निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही, किस तरीके से उन्होंने पूरा योगदान दिया उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, एक बार फिर से कहा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत मंच पर किया जा रहा है इस वक्त। खास कार्यक्रम का मौका, लेकिन एक तरफ कोविड का कहर भी, इसलिए बार बार हर कार्यक्रम में ये अपील की जाती है कि प्रोटोकॉल की पालना होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं कि मास्क में वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही सभी से ये अपील भी, क्योंकि नया वेरिएंट लगातार कहर बरपा रहा है, इसलिए भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में हैं, लेकिन सभी को ख्याल रखना होगा कोविड से बचने के लिए। लखनऊ की तस्वीर, इस कार्यक्रम में शरीक होने के बाद फिर आगे दिन भर उनके तमाम कार्यक्रम हैं। अंबेडकर की मूर्ति भेंट की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को, आज का खास मौका। और यहां से मंच से जब बोलेंगे सीएम योगी तो बड़ा अहम होगा उनको सुनना। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक अभी की तस्वीर है मंच पर मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और एक दूसरी तस्वीर है जब बाबा साहब को नमन किया
पुष्प अर्पित किए। उस वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जब भी ये मौका आता है तो अक्सर आप सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बात को दोहराते हैं कि जो प्रेरणा मिली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से उसी के तहत पार्टी आगे बढ़ रही है, प्रतिबद्ध है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विवेक, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, कितनी देर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर जो अम्बेडकर महासभा है वहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका है। विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्या भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो अम्बेडकर महासभा के जो पदाधिकारी हैं, सीनियर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो भी मौजूद हैं। कार्यक्रम करीब आधे घंटे तक चलेगा, और यहाँ पर तमाम जो आज सुबह ही, चूंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जो हजरत चौराहे पर अम्बेडकर प्रतिमा है वहाँ जाकर माल्यार्पण किया है, उसके बाद सीधे इस कार्यक्रम में आ गए और यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी बात होगी और जो यहाँ से संबोधित करेंगे, ये कुछ कह सकते हैं कि वहाँ पर जब प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे तो उससे बात करने की कोशिश की गई कि इस बारे में कुछ बताएं, अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में ही संबोधित करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में उनका यहाँ संबोधन शुरू होगा, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और सीनियर लोग जो नेता है पार्टी के वो आना शुरू हो गए हैं कार्यक्रम में। आपको जो नेता है वो आ रहे हैं, भाजपा के लगातार कार्यकर्ता के बगल में ही है, और भीड़ किस तरह से बढ़ रही है। बगल में भाजपा कार्यालय ऐसी है, जितने भी वहां पर है मुख्यमंत्री की मौजूदगी की जानकारी पाकर सब यहां पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री के संबोधन में कोई महत्वपूर्ण बात हो सकती है, चुनावी कार्यक्रम है, चुनावी माहौल है, इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह से सुबह मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दलितों के वोटों के नाम पर छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, और ये पार्टियां जो दलितों को लुभाने की अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, ये सफल नहीं होंगी। और मायावती ने ये भी ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो इस बार 2022 के चुनाव में न सिर्फ यूपी बल्कि पंजाब और उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी। तो यहाँ पर इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं चुनावी माहौल में, इस कार्यक्रम में क्या श्रद्धांजलि देते हैं, दलितों के लिए क्या मैसेज देते हैं, ये बड़ी बात होगी। उस मैसेज को सुनना और देखना, समझना, उसके मायने निकालना, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि दो महीने बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव होगा। ऐसे में आज ये जो परिनिर्वाण दिवस है भीमराव अम्बेडकर का, उस पर क्या बातचीत होती है, मुख्यमंत्री का संबोधन क्या होता है, और बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह वो क्या बोलते हैं, उनको लेकर जो आगे दलितों को लेकर क्या नीति बननी है, रणनीति बननी है कैसे, क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है और सारी पार्टियां इसी पर आधारित है, सारी पार्टियां इसी की कोशिश कर रही है कि उनके पास ये वोट बैंक आ जाए। भारतीय जनता पार्टी भी इस पे लगी हुई है कि किसी तरह से दलित वोट बैंक हासिल कर ले तो उसके पास एक बड़ा मतदाता वर्ग हो जाएगा, और बहुत बचा हुआ है ये वर्ग बसपा में कर ले, या चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है उसमें कर ले, कुछ वोट बैंक कांग्रेस के पास भी है, दलित वोट बैंक तो आज यहाँ, क्योंकि मंच से जब बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ तो बहुत जरूरी है उनको सुनना। जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बार बार ये यकीन दिलाया जाएगा दलितों को, पिछड़े वर्ग को, आदिवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ लगातार खड़ी है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।